कटनी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दलालों ने पटवारी और तहसीलदार के साथ मिलकर एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, उसके जमीन पर किसी और का नाम चढ़वा दिया। पीड़ित व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत स्थानीय विधायक संजय पाठक से की। विधायक पाठक ने उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। इस व्यक्ति का नाम रतिया कोल है और ये विजय राघवगढ़ के मोहन टोला गांव का रहने वाला है। रतिया ने बताया है कि उसकी सड़क से लगी कुछ हेक्टेयर जमीन को दलाल ने पटवारी व तहसीलदार के साथ मिलकर किसी और व्यक्ति के नाम कर दिया है और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसे जमीन से बेदखल कर दिया है। रतिया ने बताया कि वो जगह जगह अपने जिंदा होने का प्रमाण लेकर घूम रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी उसकी सुन नहीं रहा। वहीं विधायक संजय पाठक ने रतिया को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। संजय पाठक ने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वाले सभी अधिकारियों के विरुद्ध जाँच होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। रतिया को जीवित हूँ, अधिकारी लोग मेरे को घोषित कर दिए हैं। मेरी जमीन पूरी मजरमा में अधिकारी लोग मेरी जमीन को मरे घोषित करके बेच दिए गए। संजू भैया के पास आया, संजू भैया बोले कि आप तुम्हारी पूरी जांच पड़ताल कराऊंगा, तुमका जमीन दिलवा दूंगा, ये मेरा वादा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।